दिया गया है, इसमें कुल 13,05,355 विद्यार्थी अपीयर हुए और उनमें सर्वाधिक संख्या जो है 1,23,933 जयपुर जिले के विद्यार्थी रहे और सबसे न्यूनतम संख्या रही जैसलमेर जिले में 14,303 विद्यार्थी, वैसे भी संख्या तो इसलिए छोटा जिला है, इतने विद्यार्थी अपीयर हुए। इनमें से 12,33,702 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और परीक्षा का परिणाम जो है जो इसका है 94.50% रहा। ए ग्रेड में पास होने वालों की संख्या है 4,74,924, बी ग्रेड में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5,76,782, सी ग्रेड में 86,770 व्यक्ति सी ग्रेड प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 2,438 परीक्षार्थियों का विविध कारणों से परिणाम रोका गया है जिसे बाद में जारी किया जाएगा। इस प्रकार आठवीं का परीक्षा परिणाम 94.5% रहा। मैं सफल विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और किसी कारण से जो सफल नहीं हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि किताबों की संगत करें, मोबाइल की दोस्ती को खत्म करें, खूब खेलें, खूब पढ़ें और बगुले की तरह चेष्टाशील रहकर, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित होकर और स्वान की तरह जाग निद्रा रखते हुए संतुलित आहार लेकर गर्भस्थी की बातों से अलग रहकर पढ़ाई में ध्यान दें। जो विद्यार्थी अपने समय का प्रबंधन सही करता है वह सफल होता है और जो टीवी में चिपका रहता है, मोबाइल देखता रहता है अथवा ये कहना चाहिए अपने समय का प्रबंधन सही नहीं करता है वह सफल हो जाता है। इसलिए तमाम विद्यार्थियों से अपील करता हूँ, उनके अभिभावकों से अपील करता हूँ कि वे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने पिछले दिनों में शिक्षा के बढ़ते कदम के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड में जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सके उनके लिए एक ब्रिज कोर्स बनाया और उसका इवेल्युएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारे डायरेक्टर महोदय ने कराया और उसका विश्व रिकॉर्ड बना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतनी बड़ी परीक्षा का परिणाम कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से सामान्य तरह से आठवीं तक के परीक्षा परिणाम नहीं हुए। हमने इंग्लिश, गणित और विद्या पर इंग्लिश हिंदी होता है, हिंदी इंग्लिश और गणित इन तीन विषयों पर ब्रिज कोर्स बनाया था और इन ब्रिज कोर्स में काफी अच्छा परिणाम रहा और जिन लोगों का जो है गैप था इन विषयों का वो गैप दूर हुआ। इसी प्रकार मैं विद्यार्थियों से खास तौर से कहना चाहूँगा कि वे नियमित रूप से पढ़े, नियमित रूप से जो है वे खेले, स्वस्थ रहें और खास तौर से स्वस्थ रहने वालों का मस्तिष्क सही रहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आइए बच्चों, अब नया सत्र शुरू हो रहा है। कोई भी विद्यार्थी मान ली किसी कारण से ड्रॉप आउट हो रहा है तो उसको भी स्कूल ले जाने का प्रयत्न करें। हम दो बार स्कूल चलो अभियान चलाते हैं ताकि कोई भी बच्चा जो है स्कूल जाने से वंचित न रहे और 100% लोगों को हम स्कूल में दाखिल करके और उनको आगे बढ़ा सके। मैं पुनः बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।